अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो ड्रोन पे है। ये हमारे पास ड्रोन आया बंदे को, ये आप देख सकते हैं। ये 2500 से 3000 के करीब में आता है और इसमें डबल कैमरा लगा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे। इससे आप ऊपर नीचे आप देख सकते हैं उड़ने के समय। और यहाँ पर एक कैमरा था, ये पूरा ड्रोन कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे मोबाइल भी रख सकते हैं, मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट से। और ये सब है अपडाउन जो भी है, ये देखिए यहाँ से ऑन हो जाता है। और ये अभी डेड कंडीशन में है। ये बैटरी है इसकी 3.7 वोल्ट की है और हाई वोल्टेज की होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम आपको दिखाएंगे, ये बहुत हाई वोल्टेज की होती है, 1800 mAh की है 3.7 वोल्ट की। और ये डबल बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 3500 का जो मॉडल चार्जर आता है ये वाला, इससे चार्जिंग होगी यहाँ पे। और इसको हम इसमें देखिए, ये टूल बॉक्स की ये किट भी दिया हुआ है। ये हमारा ये बॉक्स में था, इसमें अलग से ये भी दिया हुआ है। और ये कस्टमर का कहना है ये मैं नया लिया था, ये ऑन नहीं हो रहा है। और इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमने खोल रखा है, चार स्क्रू लगा हुआ था, हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हुआ क्या है। इसमें देखिए चार मोटर लगे होते हैं, यहाँ और यहाँ, यहाँ चारों मोटर लगे हुए हैं। तो इसको हम यहाँ पे देखिए, लाइट लगी हुई है आगे की तरफ, ये इंडिकेट करती है कि ऑन हो गया है, क्योंकि जब ये ऑन होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और ये बहुत ज़्यादा RPM में होता है, इस वजह से आपको चोट भी लग सकती है, तो इसी वजह से लाइट इंडिकेट करती है। और यहाँ पे इसका प्रोसेसर है जो भी है IC, और ये रेजिस्टेंस वगैरह हैं इसमें लगे हुए, ये एंटीना है। और ये ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसको बटन की टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे जो बटन लगी हुई है पुश पुल वाली, तो इसको हम पुश करेंगे। पहले इसमें बैटरी लगा लेंगे, ये हमारी बैटरी लग गई। अब इसको हम दबा देंगे अपनी जगह पर। इसका स्क्रू लगा हुआ था तो हमने खोल रखा है, ताकि वीडियो आपकी बड़ी ना हो, इसलिए हमने पहले से ही खोल रखा था। और ये खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर आदमी खोल सकता है, इसलिए मैं खोलने की वीडियो नहीं बनाता हूँ। और ये लग गया। अब इसमें हम डायरेक्ट करके चेक करेंगे, ऐसे बटन से देखिए ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको शॉर्ट करके चेक करेंगे। सबसे पहले आपको यही चेक करना है, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप बटन चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेक करेंगे शॉर्ट करके, इस तरह से करीब से दिखाएंगे यहाँ से। ये देखिए, अच्छे से लगा नहीं है, लग रहा है। ये हमारी चिमटी में कार्बन भी है, तो हम ये चाकू की मदद से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये पिन है इसमें ये शॉर्ट नहीं रहा था, शॉर्ट नहीं हो रहा था। सही नहीं हो रहा है, अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये टच नहीं होगा बैटरी से तब भी ऑन नहीं होगा। दूसरी बैटरी को लगा के देखते हैं, हो सकता है ये डिस्चार्ज हो। दूसरी बैटरी लगाने, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अब तक पहुंच सके, बेल आइकन दबा दें। अब दूसरी बैटरी लगा के हम ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया हमारा। इसकी बैटरी ख़राब थी, ये डाउन हो गई थी, या तो ये ख़राब हो या तो ये डाउन हो गई। अब हम इसको, ये जो उस वाली बटन है इसको हम चेंज करेंगे। इसको पहले ऑफ कर देते हैं इसी से, ये ऑफ हो गया है। हम इसकी बैटरी को निकाल लेंगे, शॉर्ट सर्किट ना हो। अब करीब से हम आपको दिखाएंगे,
सीटिंग को चेंज करेंगे। अच्छे से आप रिमूव कर लें क्योंकि बहुत छोटी छोटी असेंबली लगी होती है, फूट जाएगी। इसको निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं ये हमने इस स्विच को निकाल दिया। ये देख सकते हैं ये वाली स्विच खराब थी हुई, तो इसकी जगह पर हम दूसरी स्विच लगाएंगे। ये देखिए ये रेड कलर की है, हम इसको बैठा रहे हैं और करीब से दिखाएंगे। क्लीन, हम आपको क्लीन दिखाएंगे। देखिए लगा चुके हैं, इसको हम चेक करते हैं। ये स्क्रू बड़ा है, हम खोलेंगे देखेंगे। हाँ नहीं हो रहा, दूसरी बैटरी लगाएंगे। ऑफ करेंगे, ऑफ हो गए। अब इसको पैक करेंगे, इसको हम पैक कर लेते हैं। तो हम ऑलरेडी इसको हम पैक कर चुके हैं, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे मोबाइल से और इसके कैमरे को चेक करेंगे। इसमें कैमरा लगा हुआ है और ये यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसको मोबाइल से हम कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये ऑन हो चुका है। अब इसको हम वाईफाई देंगे, वाईफाई ऑन करेंगे। इसका एक सॉफ्टवेयर है, हमने नोट कर रखा है, ये देखिए KYUF0। अब इस पर हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्लो और वाईफाई 55BA8 लिखा हुआ है, इस पर हम कनेक्ट करेंगे। करीब से आपको लाइटिंग दिख रही है, नो इंटरनेट दिखा रहा है, कनेक्ट हो गया ये। अब इस पर हम बैक आएंगे और स्टार्ट करेंगे। अभी ये कैमरा ये दोनों घूमेगा, इसमें ये कनेक्ट करने के बाद जब आपका कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे वो मॉडल नंबर लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये लिख के आ जाएगा, देख सकते हैं। तो उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे तो आपका कैमरा ये रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, ये देख सकते हैं। इसमें से आप इधर चाहे घुमा सकते हैं, ये हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हमारी आप देख सकते हैं। ये हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, ये इसमें कनेक्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें जो कैमरा लगा हुआ है आगे की तरफ, ये कैमरा ये वाला इसमें दिखाएगा। जैसे जैसे आप घुमाएंगे वैसे वैसे ये दिखेगा। अब हम इसको ऑन करेंगे इस रिमोट से और यहाँ पे इसको लगाएंगे। गुड जो इसको लगा लेते हैं पहले, इसको हम ऑन करेंगे।
पकड़े रहे ना तो ऊपर उड़ना शुरू कर देगा। ऊपर नीचे और अब नीचे रख, ड्रोन को नीचे रख, स्टेबल इसको हम नीचे करेंगे। ये देखिए ऑन हो गया। अब इसको हमने दबा रखा नहीं थी, ऊपर जाने लगे। ये देखिए आवाज़ अब सुन रहे होंगे, देख सकते हैं। पकड़ इसको, उसको करीब से दिखाते हैं इसको। इसको हम खुले में रखेंगे तो पूरी तरह से उड़ेगा। तो देख सकते हैं हमने छोड़ दिया इसको, और इसको हम उसके ऊपर उठाएंगे स्पीड बढ़ा के। और हल्का दिखा, ये देखिए हमारा ये कितनी मतलब जो है, ये देख सकते हैं आप जल्दी जल्दी। ये बहुत ज़्यादा ऊपर पंखा चल रहा है, इस वजह से हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। काफ़ी चोट लगती है इसको, हाई क्वालिटी कर रहे हैं, गलती कर सकते हैं, गलती करें चाहे रहे। इसको अंडर करेंगे,